हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेली गुरु पर स्वागत है। तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आज 13 अक्टूबर है और आने वाले 15-16 अक्टूबर को एग्जाम है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इस बार पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर कह लीजिए OMR सीट पर एग्जाम, या फिर OMR सीट के माध्यम से पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो इससे पहले OMR सीट के थ्रू एग्जाम नहीं दिए हैं और जिनको नॉलेज नहीं है या फिर जानकारी नहीं है कि OMR सीट पे कैसे अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं, कैसे जो जानकारी होती फिलअप करते हैं, कैसे क्वेश्चन को फिल किया जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जब देखने वाले हैं कि एग्जाम सेंटर पर क्या नेसेसरी चीजें लेके जानी है, अपने साथ क्या लेके जानी है और क्या नहीं लेके जाना है, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए बिना किसी देरी के, बिना किसी तीन पांच के शुरू करते हैं। पहला चीज है, देखिए जब भी आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, आप लोगों को जो भी सीट प्रोवाइड की जाएगी, जो आंसर शीट होगी या फिर जो बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी, वो इस फॉर्मेट की होगी। आपको एक दिख रहा होगा, एक बुक दिख रही होगी ऊपर, या फिर कह लीजिए कि एक इमेज दिख रही होगी ऊपर। तो ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी कुछ इस टाइप की होगी, एग्जैक्टली ऐसे नहीं रहेगा, इसी टाइप का होगा कुछ। जैसे कि ऊपर आपका एक ऊपर कहीं आपका दिया होगा कैंडिडेट नेम, तो मान ली किसी का नाम है अमन पॉल, तो ये देखिए AMAN और एक बॉक्स छोड़ करके PAUL अमन पॉल नाम वाले किसी का हो गया। अब अगर रोल नंबर पूछ रहा है कि हाँ रोल नंबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि रोल नंबर अगर हो गया 2 3 6 8 9 0 7 2 3 6 8 9 0 7 इस प्रकार का है, तो मैं देखिए ये 0 से लेकर के नीचे 9 तक रहेगा, मैं 4 ही लिखा हूं, लेकिन जो बुक दिया रहेगा, जो आपको एक्चुअल बुकलेट मिलेगी उसमें 0 से लेकर के 9 तक रहेगा। तो आप क्या करेंगे अब मान लीजिए, और दूसरी चीज क्या ध्यान देना है आपको, पहली चीज तो यानी कि जो डिटेल जैसे फिलअप किया रहेगा बॉक्स में वैसे भर देंगे। ये क्या करेंगे आप, चाहे आप वो बुकलेट नंबर हो, चाहे बुकलेट नंबर हो, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे करोल नंबर हो, चाहे सीरीज कोड हो, जो कुछ भी फिलअप करेंगे, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो गोला भर रहे हैं भैया, वो गोला उस सर्कल से बाहर ना जाए। ठीक है, देखिए यहीं से फिलअप किया जाएगा, जहां जो भी आप फिलअप कर रहे हैं वो सर्कल, मान लीजिए 4 है तो यहां पे हम 4 फिलअप कर रहे हैं, तो देखिए सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए अगर यहां पर गोला है तो ये मत करिए कि हाँ इसको ऐसे ही आधा भर के छोड़ दीजिए, ऐसे जल्दीबाजी में, ये भी गलत है। या फिर ये गोला है तो इसको पूरा ऐसा भर दिए, पूरा बाहर भी चला गया, 2-3 और गोला को ले लिया, ये भी गलत है। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर ये गोला है तो ऐसे भरना है कि पूरा गोला आ जाए और ये फिलअप हो जाए पूरा। ठीक है, ये मान होगा। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप बुकलेट नंबर भर रहे हैं, जो आंसर शीट चेक होती है बेस्ड ऑन बुकलेट नंबर के थ्रू ही चेक होती है, जो स्टूडेंट का बुकलेट नंबर होगा, तो इसलिए हर एक स्टूडेंट अपना बुकलेट नंबर फिलअप करते समय बहुत ही सतर्कता से भरे, क्योंकि अगर कहीं गलत हो गया, आप मान लीजिए कोई भी गलत भर दिए बुकलेट नंबर, उस समय क्या होगा, कोई गलत नंबर भर देंगे तो बुकलेट नंबर गलत हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं मार्क्स भी गलत हो जाएगा, यानी कि वो कुल मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए जो कुछ भी डिटेल भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 5 1 3 2 2 4 1, तो रजिस्ट्रेशन नंबर 5 है, 5 के नीचे देखिए 5 कहां पे है, 5 यहां पे आ गया, तो 5 को सर्कल कर देना है। अब यहां पे देखिए 1 है, 1 कहां पे है, तो इसके 1 को सर्कल कर देना है। अब देखिए 3 है, तो 3 देखिए यहां पे है, इसको 3 को सर्कल कर देना है। अगर यहां पे 9 होता तो नीचे 9 को आते, 9 को भरते। अब देखिए 2 है, 2 कहां पे है, तो 2 को सर्कल कर देना है। ठीक है, फिर यहां पे 2 है तो इसको 2 को सर्कल कर देना है। फिर अगर मान देखिए 4 है, 4 कहां पे है, तो 4 को भर देना है पूरा ऐसे। फिर अगर दिया है 1 तो 1 को भर देना है। तो
ऐसे ही आपको वहां पे बुक जो दी जाएगी ऐसे ही फिलअप करना है, वही चीज आपको बुकलेट नंबर के साथ करना है, वही चीज आपको क्या करना है बुकलेट नंबर के साथ करना है। जो भी दिया, अगर मान ली यहाँ पे 4-3 है तो यहाँ पे 3 को फिलअप करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो इसको 2 को फिलअप करना है, ऐसे ही भरना है बस। कोई बहुत बड़ा ये तीर नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, सिर्फ जो नंबर आप ऊपर लिखेंगे ध्यान दीजिएगा वो नंबर आप सही लिख रहे हो, क्योंकि जो, और एक चीज है, आप बाल पॉइंट पेन यूज कर रहे हैं, इरेज नहीं कर सकते, बाल पॉइंट से सब भरा जाएगा, तो इसलिए पेन से, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि गलती ना हो। बार बार कह रहा हूं कि गलती की कोई गुंजाइश मत करिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इसका पेन आप उसको इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, इसलिए जो चीज वहां पे भर रहे हैं वही नीचे भी आप फिलअप करेंगे। पहले गलती से ऊपर 3 भर दी लिख दिए हैं और नीचे 4 फिलअप कर दिए, तो आपका दोनों गड़बड़ हो जाएगा, एकदम मेहनत डाउन हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका बुकलेट नंबर है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, या फिर आपका एग्जाम सेंटर जो कुछ भी हो, एग्जाम सेंटर कोड जो भी हो, आप जब भी ऊपर लिखिए जो कुछ भी ऊपर, उस इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए। और जो नंबर ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे अल्फाबेट भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, तो जो नंबर आप ऊपर लिख रहे हैं उसके नीचे जो दिया गया नंबर है उसी को घेरा करना है, उसी वाले गोले को भरना है, उसके अलावा कोई तीसरे अलग दूसरे गोले को नहीं भरना है, ठीक है। अब मान लीजिए सीरीज है, जैसे ए से लेके एट तक कोड, ए से लेके एच तक होता है, मान लीजिए आपका बुकलेट नंबर 2022 है तो 2022 कुछ हो गया, फिर उसके बाद कोड आता है तो कोड आपका ABCDEFGH, तो अगर मान लीजिए यहां पे आप भर रहे हैं सी तो सी वाले को सर्कल करना है, ठीक ना। इस तरह जो आप नंबर या फिर जो भी अक्षर या लेटर भर रहे हैं उसके नीचे उसके पर्टिकुलर उस नंबर गोले को आपको भरना है। एग्जाम सेंटर कोड इतना ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम सेंटर कोड होता है वो 5 अंक का होता है, 5 डिजिट का होता है। तो आप जैसे मान लीजिए आप स्टार्टिंग के शायद 2 नंबर जो होते हैं वो एग्जाम सेंटर होता है, और लास्ट जो 3 डिजिट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, शायद मिला करके 5 हो गया, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे मान लीजिए हो गया 32601, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए 3 वाला फिलअप सर्कल कर दिया जाएगा, फिर यहाँ पे 2 सर्कल किया जाएगा, फिर अगर मान लीजिए 6 है तो 6 को सर्कल करेंगे, अगर नीचे कहीं नंबर 6 मैं 4 ही तक लिखा हूं, फिर 0 है तो 0 को सर्कल कर देंगे, और उसके बाद 1 है तो 1 को सर्कल कर देंगे, अगर कहीं पे मान ली कोई लेटर है तो लेटर को भी सर्कल कर देंगे। बस ये ध्यान देना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम भर रहे हैं वही नीचे सर्कल की जाएगी, बस। ये तो रहा आप इन्फॉर्मेशन जो फिलअप करेंगे उसके बारे में। अब उसके बाद बात आती है, ये जब इतना सब कुछ भर लेंगे और भी होगा, हिंदी में भी लिखा रहेगा, मैं इंग्लिश में लिखा हूं, हिंदी में भी लिखा रहेगा, यानी ये चीज तो इंग्लिश में ही रहेगा। जैसे मान लीजिए नेम है कैंडिडेट नेम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी का नाम, क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी का नाम, ये सब हिंदी में भी लिखा रहेगा, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम क्या होगा, तो ये सब चीजें आप ध्यान दे सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये सब सामान भर, ये सब डिटेल्स आप भर लेंगे, आपका वहां पे सिग्नेचर भी पूछेगा, कहीं पे यहाँ पे दिया रहेगा, कहीं पे बना रहेगा सिग्नेचर करने के लिए, तो आपको अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्या कभी कभी इंग्लिश में भी बोलता है, कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों में कहता है, तो वहां पे आपको सिग्नेचर करना रहेगा। जब इतना सब कुछ आप कर लेंगे उसके बाद देखिए इस प्रकार का रहेगा, 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं 16 तक ही लिखा हूं, लेकिन ऐसे होगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 50-50 का रहेगा, एक 50 फिर एक 50। तो जैसे मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन बुकलेट में, आप जो बुक मिली आपको बुकलेट, आप पहला क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, बुकलेट जो मिली उस बुकलेट में देखे, और देखने के बाद आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पहले का ऑप्शन सी है, देखिए पहला क्वेश्चन उसका ऑप्शन सी है, तो यहां पे देखिए सी वाले को सर्कल करेंगे इसी प्रकार। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले का ऑप्शन सी है, तो ये मत करिएगा गलती से सी की जगह भी इस वाले 2 वाले सी को गलती सर्कल कर दीजिए, ध्यान, तो ये सब चीजें ध्यान दीजिए, बहुत मिस्टेक बहुत करते हैं ऐसे, ऐसे बच्चे जो होते हैं ऐसे मिस्टेक हो जाती है, ना चाहते भी हो जाती है, यही सब चीज आपको सतर्कता करनी है, यानी कि आपके पास नॉलेज होने के बावजूद आप अच्छी मेहनत किए, आप सोचे कि हम अच्छा मेहनत किए मैं सही करके आया हूं, तो आप अगर 1 का सी करने की बजाय 2 का सी करके चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज आपको मेहनत तो करना ही है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो सब तो ध्यान देना ही है, उसके साथ साथ
जो OMR सीट फिलिंग होती है, जो डेटा फिलअप किया जाता है, उसको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए और उसका ऑप्शन बी है, तो आप बी को सर्कल करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि पूरा सर्कल होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि मान लीजिए अगर कंप्यूटर चेक होगा, अगर कंप्यूटर इसको चेक करता है तो जो चीज आप सर्कल करेंगे उसी को उठाएगा। मान लीजिए ये सर्कल है, अब इसको आप पूरा सर्कल नहीं, जल्दी जल्दी ये लेट हो रहा, ये जल्दी जल्दी कर जल्दी जल्दी करें और इसको इतना करके छोड़ दिए, तो कंप्यूटर इसको नहीं उठाएगा, इसको स्कैन नहीं कर पाएगा, तो आपका वो मार्क्स चला जाएगा। उसको आप सही करके, यानी कि आप सोचेंगे मैं तो सही किया, नहीं वो मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है कि गोला भरते समय भैया गोला पूरा भरना है। मान ली क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी है, तो ये क्या करना है, डी करना है। अब कभी ऐसा होता है क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 उसका ऑप्शन ए है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसका भी ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 4 उसका भी 5 उसका भी ऑप्शन ए है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आप ए की जगह बी लगा देंगे, तो ये सब चीज भी ध्यान देना है कि हाँ जब जो आंसर है वही मैं गोला भरूं, ये सब ध्यान देना है। तो यही अब सोच लीजिए यार कि यहां से अब तक की जो जानकारी आपको दी गई है, इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हाँ आपको गोला कैसे भरना है। कोई बहुत बड़ी महारत नहीं है, कुछ ना, एकदम आराम से लोन कर लेगा, कोई दिक्कत ना, बस करे कहा तो लोन की का करे क्या, कि थोड़ा सा दिमाग लगा दे, क्या दिमाग लगाइए अच्छे से। और एक चीज और ध्यान देना है, नर्वसनेस नहीं होना है। नर्वसनेस तो आएगी सबको, क्योंकि भाई बहुत लोग पहली पहली बार बारी जान देने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप घबराएंगे तो वहां से देखिए जो क्वेश्चन आता होता रहेगा सब भूल जाएगा। बस ये सोचना है, अरे यार एग्जाम ही तो है, इतना दिन से मेहनत कर रहा था और आज 2 घंटे ही खुद का तो है, 2 घंटे का ही की तो बात है, 2 घंटे में काम तमाम कर देना है। बस यही सोचना है कि जाना है, अब तक जो भी 2-3 महीने 4 महीने हम लोग मेहनत किए हैं, उस 2-3 महीने 4 महीने का जो परिणाम है इस 2 घंटे में डिसाइड करेगा। और एक चीज और होता है, बहुत लोग तेज तर्रार एग्जाम के टाइम पे लुल हो जाते हैं, और बहुत ही लुल आदमी या फिर नूब बंदे जो भी लोग हैं जो अच्छे से तैयारी नहीं किए रहते हैं, वो एग्जाम के टाइम पे कंसंट्रेट होकर के अपने आप को माइंड को फ्रेश रखते हैं। और इवन दो अगर वो मान लीजिए प्रिपरेशन अच्छी नहीं की हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे अपने माइंड को फ्रेश रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है कि नर्वस नहीं होना है, आप बस माइंड को एकदम पीसफुल रखिए, बिल्कुल सही, अरे कोई बात नहीं, एग्जाम ही तो है, कोई पहाड़ थोड़े है, अरे होगा, अच्छे से मेहनत किए तो भाई होगा ही। तो जितना आना क्वेश्चन आए उतना ध्यान देना है, और कोशिश करिए कि तुक्का तभी लगाइए जब एकदम लास्ट चांस हो, यानी कहां पहले से तुक्का लगाया शुरू कर डालो, बहुत गलत चीज है। अब ये बात हो गई कि बुकलेट कैसे भरी जाती है, ओएमआर सीट कैसे भरते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या चीज अपने साथ लेके जाना है, क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। अगर बात करें क्या लेके जाना है, तो पहली चीज की सबसे पहले तो क्या प्रशासन क्या क्या जो भी किया जाए, एग्जाम आयोग, परीक्षा आयोग, चाहे जिसकी बात करें, सबसे बड़ी गलती कर दी बच्चों के साथ कि एग्जाम इतना भैया 2-3 दिन 5-5-6-6 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर बना दिया, तो ये तो बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम हो गई, खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए। मान लीजिए कि जिसके घर पे कोई एक्चुअल गार्जियन ना, वो कैसे जाएगा। बहुत लोग तो इवन ये सब सोच के छोड़ दिए, चलो इस सेंटर बहुत दूर गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी लोग जो भी अगर वीडियो अभी देख रहे हो और सोच रहे हो एग्जाम छोड़ने की, एग्जाम बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वैकेंसी बहुत आने वाली है और डेफिनेटली वैकेंसी है, इसके बेसिस पे कुछ भी हो जाए एग्जाम मत छोड़िए। हाँ, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो कि न सक्षम हो तभी आप छोड़िएगा, अदरवाइज रिक्वेस्ट है कि एग्जाम बिल्कुल किसी दशा मत छोड़िए। और रह गई बात कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचने की, तो आपको पहले से ही पता है कि हाँ एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, कितने बजे से एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज कीजिए। कोशिश कीजिए कि 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंचे एग्जाम सेंटर पर, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन भी किया हुआ है कि एग्जाम स्टार्ट या प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है, क्योंकि आधे घंटे पहले आपको पत्र पुस्तिका प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद जो है आपको क्या कहते हैं एग्जाम में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा एग्जाम सेंटर पर। इसलिए कोशिश कीजिए कि समय से पहले पहुंचे, यानी तो कम से कम 2 घंटे पहले या फिर 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाइए एग्जाम सेंटर पर। दूसरी चीज क्या है
प्रवेश पत्र आपको साथ क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र लेके जाना है, फिर उसके बाद आपका कोई आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड लेके जाना है, और ये प्रवेश पत्र आधार कार्ड ये तो ओरिजिनल होगा ही, साथ ही साथ इसकी एक फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है जो कि बहुत नेसेसरी है। यानी कि आप अपना प्रवेश पत्र आईडी और उसके बाद कोई आईडी जैसे आधार कार्ड ले लीजिएगा, प्रवेश पत्र लीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके बाद जो है, और ये क्या होगा फोटोकॉपी भी, एक एक फोटोकॉपी सबकी रख लीजिएगा। दूसरी चीज आपकी आपके साथ अपने साथ एक नया फोटो लेके जाना है, पासपोर्ट साइज एक नहीं सॉरी दो पासपोर्ट साइज नया फोटो लेके जाना है, उसके पीछे आपका नाम और रोल नंबर होना अति आवश्यक है। फोटो क्या कह रहा हूं फिर से ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने साथ प्रवेश पत्र और आधार कार्ड जैसे या फिर कोई आईडी प्रूफ के साथ यानी उसका फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल, उसके साथ साथ खुद का एक पासपोर्ट साइज का फोटो जो जिसके पीछे फोटो के पीछे आपका रोल नंबर और नाम लिखा होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आपको यानी कि जो फिलअप करने के लिए आपको अपने साथ नीला या फिर काला ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ये बहुत ही नेसेसरी है। पेंसिल से आपको नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन से ही फिलअप करना है वहां पे ऑप्शन, ठीक है ओएमआर शीट में। तो ये चीजें बेसिक चीजें थी, और क्या नहीं करना है, कोई कैलकुलेटर कोई भी डिवाइस गलती से भी अपने पास मत रखिएगा, जो भी आप ड्रेस पहन के जा, जो भी कपड़ा पहन के जा रहे हो, जो आपके पास बैग है या फिर जेब है तो उसमें देखिए कोशिश कीजिएगा कि कोई गलती से कोई फालतू का डॉक्यूमेंट ना हो या फिर कोई पर्चा ना हो जिससे किसी एग्जाम से बाद में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। कोई स्मार्ट वॉच पहन के मत जाइएगा, बहुत लोग होते हैं ध्यान नहीं देते हैं पहन के चले जाते हैं, तो आप जाएंगे तो आप निकलवाए उसमें टाइम वेस्ट होगा। मान लिया आप स्मार्ट वॉच पहन के चले गए, ध्यान नहीं दिए और वहां पे निकलवा रहे हैं वॉच, तो वहां पे थोड़े से दिमाग क्या होगा उलझन हो जाएगा, अरे यार निकलवाएंगे अलग भेज दे देंगे कि आपको एक अलग रूम जाओ चेक कराओ, तो ये सब चीज आपको पहले से ध्यान देके जाइएगा ताकि वैसे भी एग्जाम इतना सेंटर दूर जाएगा और एग्जाम का प्रेशर रहेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना अच्छे से अपने आप को वेल मेंटेन करके विदाउट किसी प्रॉब्लम के अच्छे से पहले से हर एक चीज ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम सेंटर पर जाइए। और बस यही कहूंगा कि एग्जाम अच्छे से दीजिए, माइंड को फ्रेश कीजिए, फ्रेश रखे रहिए, और कोशिश कीजिएगा साथ में एक वाटर बॉटल होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हो सकता है आप थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो तो आप पानी पी सकते हैं, आपके लिए फायदा होगा, उससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।